2022 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली से खबर, मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक। जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक। बैठक में आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं शामिल। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। जेपी नड्डा ने आज बुलाई अहम बैठक। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मिशन 2022 को लेकर चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर आज होनी है अहम बैठक। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, जानकारी यहां पर चाहेंगे। आज जेपी नड्डा ने अहम बैठक बुलाई है। भाजपा ने जिस तरह से पदाधिकारियों की बैठक करने का फैसला किया है, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर कितनी अहम हो सकती है ये बैठक? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब और उत्तराखंड, इसके अलावा गोवा में भी चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों की चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होनी है और पूरे दिन जो है वो बैठकों का दौर चलने वाला है। खासतौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहले पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें महामंत्री, प्रवक्ता और पार्टी के उपाध्यक्ष यानी पार्टी के जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। संगठन मंत्री भी इसमें, बीएल संतोष भी शामिल होंगे। जाहिर तौर पे आगे की रणनीति की पांचों राज्यों में किस तरह से अब तक का काम रहा है और आगे पार्टी को क्या करना है, बूथ लेवल जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुंची है, कई चीजों की ना सिर्फ समीक्षा होनी है बल्कि पार्टी को अपनी आगे की रणनीति भी बनानी है। खास जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि जो आवेदन है, टिकटों के जो आवेदन है वो भी एक तरह शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये काम जो है वो प्रदेश लेवल पे दिया जाता है, तो इसके बाद फिर प्रदेश की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पे फिर बैठक शुरू होगी। यानी आज सुबह से शाम तक जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठकों का दौर रहेगा। जी बिल्कुल, तो बैठकों का दौर रहेगा। जिस तरह से आगामी 5 राज्यों के चुनाव की यहाँ पर बात की जा रही है, तैयारियों की बात की जा रही है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिए तमाम रणनीतियां तय कर जा रही है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात जो देखने में आई है, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करते हुए नजर आए और कई केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड भी पहुंच रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा तमाम नेताओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में बार बार प्रचार के लिए, सभाओं के लिए भी भेजा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं संयुक्त तौर पर मोदी की जो हवा की बात पिछले चुनाव में देखने को मिली थी उसे एक बार फिर से बनाने का काम किया जाएगा? देखो, बीजेपी कोई भी चुनाव जब भी होता है तो युद्ध स्तर पे लड़ती है। पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से ना सिर्फ यूपी के बल्कि तमाम राज्यों के बड़े बड़े नेता जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रचार करने गए। और यही बीजेपी की रणनीति होती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में तमाम नेता जो है वो भेजे जाते हैं। स्टार प्रचारकों के अलावा कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे मंत्री होते हैं, संगठन के लोग होते हैं पूरे देश के, जिन्हें अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाती है। और जो बूथ मैनेजमेंट की बीजेपी बात करती है, उस बूथ मैनेजमेंट को संगठन के स्तर से दिखाई देता है। और यही बड़ी वजह है कि जो बैठक बुलाई गई उसमें रणनीति आगे की तैयार की जाएगी कि आखिर कौन कौन लोग जो है वो इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, किन लोगों की ड्यूटी कहाँ पे लगाई जाएगी, कब से इसका सर्वे किया जाएगा। क्योंकि तमाम जो खासतौर पर प्रत्याशियों के लिए आवेदन है उनमें भी इन लोगों की भूमिका होती है। यूपी बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में तमाम केंद्रीय मंत्री जो है प्रभारी के साथ में सह प्रभारी बनाए गए हैं। लगातार यूपी के लेके मंथन हो रहा है, उत्तराखंड के लेके मंथन हो रहा है। तो अब उसी मंथन में क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है वो भी प्रभारी है तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, वो अपनी रणनीति बताएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में यानी जेपी नड्डा की अगुवाई में जी पूरे काम की समीक्षा होगी कि आने वाले दिनों में आखिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कैसे ना सिर्फ लड़ा जाए बल्कि जीता जाए। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। जेपी नड्डा ने इस बैठक को बुलाया है और